भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष सारिक निवासी रोहली टोला पुराना शहर ने एसएसपी से शिकायत की है। वो फेसबुक आईडी चला रहा था कि काशिफ सकलैनी नाम के व्यक्ति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसे जान से मारने की धमकी दी है। उसके पास कॉल आया जिसमें धमकी दी गई थी कि तूने अगर पुलिस में शिकायत की तो उसके परिवार को जान से मार दिया जाएगा। तारिक को अपनी जान माल और परिवार की जान का खतरा है। उसने मुकदमा कायम कर धमकी देने वालों को गिरफ्तार करने की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारिक है। क्या मामला है? मामला ये 13 तारीख को मैंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में एक पोस्ट डाली थी मिशन 2022 12 या 13 तारीख को, जिसमें जिस प्रकरण में एक कोई काशिफ व्यक्ति है, काशिफ सकलैनी नाम का व्यक्ति, उसने माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में बहुत टिप्पणी की, तुम कैसे मुसलमान हो, तुम जैसे मुसलमान को जान से मार देना चाहिए और ये सरकार तो चली गई है। तो कोई भी किसी का मुख्यमंत्री है तो हम किसी के पे टिप्पणी नहीं करते हैं, और हमें लगता है ये व्यक्ति गंदा व्यक्ति है। और हमने इसके बारे में अमित राठौर जी हैं पर उसके हमने उनके संगठन से शिकायत भी करी, उन्होंने एसएसपी साहब से भी शिकायत करी थी और 12 तारीख को इंस्पेक्टर साहब बारादरी से भी उन्होंने शिकायत करी। बारादरी इंस्पेक्टर साहब ने मुझसे बात की, मुझे बिठाला, बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा मुझसे मैं मुकदमा लिखूंगा, इसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। मुझे लगता है जान पहचान किसी की निकली है, किसी के दबाव में मुकदमा नहीं लिखा जा रहा। ये पोस्ट मैंने ये किया था अपनी मिशन 2022 13 तारीख को ये करा था, तो जिसमें और लोगों के लिए भी इसी व्यक्ति ने कमेंट, खास तौर से मुसलमान व्यक्ति पार्टी से जुड़ा उसी की पोस्ट पर कमेंट करा जा रही है और मैंने इसकी शिकायत करी। अगर नहीं मैंने एसएसपी साहब से शिकायत करी, अगर उसमें सुनवाई नहीं होती है, अभी आ रहे हैं श्रीकांत शर्मा जी मंत्री जी, मैं डायरेक्ट स्वयं उनसे शिकायत करूंगा इस बारे में। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।